वैसे अगर देखा जाए तो हमारी हड्डियों में कई तरीके की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जिसके चलते हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब इसी में से एक है बल्जिंग डिस्क। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों इसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इसके लिए वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बल्जिंग डिस्क की बीमारी में रीढ़ की हड्डी समेत बॉडी के कई पार्ट्स में दर्द होता है, साथ ही इससे मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। आपको बता दें कि ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं। ये दो तरीके की होती है। अगर ये लोअर बैक में हो तो दर्द हिप्स के साथ साथ पैरों में होता है, और अगर ये गर्दन में हो तो कंधे और हाथ में दर्द बढ़ने लगता है। फिजियोथेरेपी से इसके इलाज की सलाह दी जाती है। इसे ठीक होने में 4 से 5 हफ्ते तक का समय लग जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अनुष्का शर्मा जल्दी ही ठीक हो जाए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ जाती है, वो ये है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी बल्जिंग डिस्क की समस्या से परेशान है। यानी कि दोनों को एक ऐसी गंभीर बीमारी ने अपनी जकड़ में ले लिया है जो बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली होती है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।